हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो मायम के 100 लोगों ने ये पाक किताब पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं आता। क्या फिर से आने वाली फिल्म अटैक में जॉन रेसर की भूमिका में दिखेंगे? कौन से बड़े कलाकार की फिल्म में विलेन का किरदार करते नजर आने वाले हैं जॉन? क्यों हुए जॉन के फैंस परेशान? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अटैक मूवी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार बातें। मे डे के बाद अब लक्ष्य राज आनंद की डायरेक्शन में बन रही फिल्म अटैक, जिसमें जॉन अब्राहम अपना जलवा इंडिपेंडेंस वीक में दिखाने को तैयार हैं। जी हां, आने वाली फिल्म जो एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, वहीं ये फिल्म 13 अगस्त 2021 को रिलीज़ की जाएगी पूरे 100% फुल सीट के साथ थिएटर्स में। इस बात का अनाउंसमेंट खुद मुंबई सरकार द्वारा किया गया है। आपको बता दें, इस फिल्म में जॉन एक बाइक रेसर की भूमिका में दिखेंगे। वहीं कुछ समय पहले अपनी फिल्म की एक वीडियो शेयर करते हुए जॉन अब्राहम लिखते हैं, डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट इन माय फेवरेट प्लेस, जहां वो बाइक पे कैमरे के पीछे स्पीड में बाइक राइड करते दिख रहे हैं, जहां उनके कुछ फैंस उनको वापस से इस अंदाज में देख के बेहद खुश थे। वहीं कुछ फैंस जॉन के लिए वरिड भी दिखे। आपको बता दें, इस वीडियो में जॉन दरअसल बिना हेलमेट के बाइक पर राइड कर रहे थे, जिसे देख उनके फैंस उनके लिए परेशान हुए। अब दर्शकों का ऐसा प्यार देख के तो लगता है कि 13 अगस्त को थिएटर में मज़ेदार भीड़ होने वाली है जॉन के फैंस की। वहीं जहां अटैक के साथ साथ जॉन जल्द ही पहली बार रोमांस के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान में विलन का रोल करते दिखेंगे, जहां ये हीरो और विलन की जोड़ी एक साथ हॉट दीपिका पाडुकोन भी नजर आएंगी। अब देखना होगा कि क्या आने वाली फिल्म अटैक थिएटर्स में क्या हंगामा मचाती है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जॉन को फिर से बाइक रेसर के अंदाज में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो।